नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। राजस्थान में 26 साल के युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी के नाम पर समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ये युवा पाकिस्तान से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले से आते हैं, वर्तमान में शिव से विधायक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाले इस नौजवान को सुनने और देखने वालों की भीड़ लगती है। बाड़मेर सीट से निर्दलीय ताल ठोक कर भाटी ने राजस्थान और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी थी। भाटी की लोकप्रियता सिर्फ बाड़मेर तक सीमित नहीं है, वे अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में रह रहे राजस्थानियों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं आखिर इस 26 साल के युवा में ऐसी क्या खास बात है जो जनता का इतना समर्थन मिलता है। बाड़मेर के छोटे से गांव ददोड़ा से आने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद ही सामान्य परिवार से। उनके पिता शिक्षक है जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने शुरुआत शिक्षा गांव के पास स्थित सरकारी स्कूल से ली, इंटरमीडिएट बाड़मेर से की और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ली। यहां भाटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में आने का मन बनाया, लेकिन एबीवीपी से टिकट नहीं मिला। फिर क्या था, भाटी ने अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय चुनाव लड़कर छात्र संघ के अध्यक्ष बने। कोरोना काल के दौरान छात्रों की फीस माफी और गहलोत सरकार में हो रहे घोटालों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्र हितों के लिए जेल भी गए पर उनका हौसला नहीं टूटा। यहां तक छात्रों की मांगों के लिए विधानसभा तक का घेराव किया। इसी जुझारूपन के चलते भाटी युवाओं वर्ग के लिए चहेते बन गए। रविंद्र सिंह भाटी राज्य की राजनीति में उतरे और उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा। साल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाटी ने बीजेपी से शिव सीट से टिकट मांगा पर टिकट नहीं मिल पाए। फिर क्या था, भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और बीजेपी से संघ की पृष्ठभूमि वाले बाड़मेर जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खर्रा के सामने उतरे। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमीन खान थे जो कांग्रेस के सिंबल पर 9 बार पहले चुनाव लड़ चुके थे और 10 बार ताल ठोक रहे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बागी विधायक फतेह खान और पूर्व विधायक जालम सिंह रावत जैसे बड़े चेहरे भी युवा के सामने थे। भाटी ने हर चुनौती को पार करते हुए 4000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। बीजेपी के उम्मीदवार स्वरूप सिंह खर्रा की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। भाटी ने गत 4 अप्रैल को बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी जब लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। उनकी रैली में उमड़े जन सैलाब ने देश के दिग्गज नेताओं की भी हार्ट बीट बढ़ा दी। भले भाटी ने बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी के वोट काटे पर चुनाव नहीं जीत सके। दरअसल उनके सपोर्टर और वोटर्स बीजेपी समर्थक ही थे। अब आने वाले चुनाव में ही भाटी की राजनीतिक का रुख स्पष्ट हो। भाटी राजनीति में उभरता हुआ चेहरा, इतनी कम उम्र में भाटी ने बड़े बड़े राजनेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में भाटी राजनीति में काफी ऊंचे मुकाम पर जाएंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।